आज दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था। पीठासीन अधिकारी ने पार्षदों की शपथ शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन पहले नामित पार्षदों की शपथ पर ऐतराज करते हुए आम आदमी पार्टी ने संग्राम छोड़ दिया। पीठासीन अधिकारी के टेबल पर चढ़कर हंगामा शुरू हो गया, दस्तावेज फाड़ दिए गए। फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। खींचतान से लेकर मारपीट और गाली गलौज तक हुई। पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं हो सका। अब पीठासीन अधिकारी आगे कभी भी बैठक बुला सकती हैं। इस पूरे हंगामे में दोनों ही दल एक दूसरे पर लोकतंत्र के हत्या का आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने एमसीडी के फ्लोर पर आज जो फाइट देखी है उससे सब हैरान है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में मेयर के चुनाव में आप बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या 250 में से 134 सीट पाने वाली आम आदमी पार्टी को मेयर चुनाव में हारने का डर है? क्या बीजेपी और आप अगले 5 साल तक दिल्ली नगर निगम में काम की जगह कोहराम मचाती रहेंगी? दिल्ली की जनता का ऐसे में क्या होगा? हाथापाई, धक्का मुक्की, खींचतान, तोड़फोड़, गाली गलौज। एमसीडी का सदन कुरुक्षेत्र बन गया था। किसी की उंगली कटी थी, किसी के कपड़े फटे थे, किसी को घूसे पड़े थे, किसी को घसीटा गया था। 250 पार्षदों में से 1.5 दर्जन को छोड़कर बाकी हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, घेराव और प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ही दल एक दूसरे पर संविधान की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता ने हरा दिया, बुरी तरीके से हार गए वो लोग, तो ये कर रहे हैं। आप देखिए, ये कर रहे हैं हमारे एक पार्षद का, 2 बार से चुना हुआ ये पार्षद है, इसका खून बहा रहे हैं। और जो पार्टी सदन में भी उसके नंबर अच्छे, उनके नंबर ज्यादा है, उसके बाद भी ये हालत, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराना। ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे हैं, लफंगे हैं, बदतमीज हैं, ये सबको पता है। ये उनके पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है कि कोई भी मुंह खुलेगा उसको मारना शुरू कर दोगे, तोड़ना शुरू कर दोगे। दरअसल चिंगारी पहले से सुलग रही थी, सदन में भड़क गई। घटना कुछ ऐसी रही। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने इस बाबत शपथ भी ली और उसके बाद से उन्होंने जैसे ही घोषणा की कि अब जो है नॉमिनेटेड पार्षद है, जो कि एलजी के जरिए 10 नॉमिनेशन किया जाता है, वो अब शपथ लेंगे, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल, जो कि सबसे सीनियर नेता है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरे 15 साल तक आप शासन में रहे, अब तो इसको बदलो और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये उतना सुनना था कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद है और वो जो है वेल में आ गए। वेल में आते ही उन्होंने घेराव किया पीठासीन अधिकारी का, और साफ तौर पर कमिश्नर का भी घेराव किया है, और जो है पर्चियां फेंकी हैं और धक्का मुक्की हुई है, स्कफल जैसी स्थिति हुई है। आज महापौर चुना जाने वाला था, डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला था, और सिर्फ 10 कदम आगे जो दरवाजा है, इसी के अंदर जो सदन है इस सिविक सेंटर की 4th मंजिल पर, यहाँ आज वो हुआ है जो लोकतंत्र को शर्मसार करता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स, चुने हुए प्रतिनिधि एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे थे जैसे सड़क पर कोई स्ट्रीट फाइट चल रही हो। किसी कॉरपोरेटर का हाथ कट गया है, किसी महिला का आरोप है उसके साथ, वहां पर उसको जो है धक्का मुक्की की गई है। हंगामा आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, बीजेपी ने बढ़ा दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले से बौखलाई थी, क्योंकि पहले तो एमसीडी के कमिश्नर ने बिना केजरीवाल सरकार से पूछे 10 सदस्यों के नाम उपराज्यपाल को भेज दिए, जिसे मंजूरी भी दे दी गई। केजरीवाल ने एलजी से कहा कि ये गैर संवैधानिक है। फिर एलजी ने आम आदमी पार्टी की ओर से सुझाए गए नाम को दरकिनार करके सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बना दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे मनमानी बताया। फिर सत्या शर्मा ने कार्रवाई शुरू होते ही पहले नामित सदस्यों की शपथ कराने की घोषणा कर दी, तो आम आदमी पार्टी ने हमला बोल दिया। एमसीडी के सिविक सेंटर में यह संग्राम मेयर चुनाव को लेकर मचा है। अभी 5 साल की एमसीडी सरकार कैसे चलेगी, इसकी झलक मिल चुकी है, क्योंकि ये संग्राम तब छिड़ा है
जब एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था। मेयर पद के लिए 250 पार्षदों के अलावा 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायकों को भी वोट डालना था। मेयर पद के लिए 135 वोट चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षदों ने चुनाव से दूरी बना ली थी और निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षदों में भी क्रॉस वोटिंग की आशंका थी। इसलिए पहले से आशंकित आम आदमी पार्टी ने शपथ से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया। नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई। सबसे पहले गैर कानूनी, गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पीठासीन अधिकारी को बनाते हैं, फिर गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पार्षदों को नॉमिनेट करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविधान के आर्टिकल 243 आर का हवाला देते हुए लिखा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते। आम आदमी पार्टी अब इस मामले में अदालत तक जाने की धमकी दे चुकी है। वैसे मेयर, डिप्टी मेयर पद पर मचे संग्राम के बीच एक तथ्य ये भी है कि अभी एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 3 महीने के लिए होना है, क्योंकि डीएमसी एक्ट की धारा 267 के मुताबिक एमसीडी का सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, यानी 31 मार्च को नए साल के लिए फिर से मेयर का चुनाव कराना होगा। फिलहाल एमसीडी का सदन स्थगित है। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा आगे सत्र बुला सकती है। सुशांत मेहरा, रामकिंकर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।